मोदी सरकार 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले किसान कानून रद्द कर किसानों के मुद्दे को दफन कर देना चाहती है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को जिलाए रखने की कोशिश में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेरा और आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजे की मांग उठाई। पार्लियामेंट हाउस में एक सवाल पूछा गया, क्या नेशनल गवर्नमेंट, जो हमारे 700 किसान भाइयों की मृत्यु हुई, वो उनको कॉम्पनसेशन देने वाली है, हाँ या ना? और जवाब मिला था, हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों के का कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड नहीं है तो कॉम्पनसेशन किसका? राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री एक ओर माफी मांगने की बात कहते हैं और दूसरी ओर वे मारे गए लोगों के बारे में कहते हैं वे हैं ही नहीं। उन्होंने कहा कि आंदोलन में मारे गए किसानों की सूची पंजाब सरकार के पास है, हम इसे केंद्र सरकार को दे सकते हैं और प्रधानमंत्री चाहें तो इनके परिजनों को फोन भी कर सकते हैं। सरकार के पास क्यों नहीं है पैसा? मतलब लाखों करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल से ले रहे हैं क्या? वो मतलब आपको मिल रहा है क्या? आपको तो नहीं मिल रहा, किसानों को तो नहीं मिल रहा, तो कहां जा रहा है वो? जब भी गरीबों की बात उठती है, किसानों की, मजदूरों की, तो आप कहते हो पैसा नहीं है। और जब आपके मतलब 3-4 क्रोनी कैपिटलिस्ट पूंजीपति फ्रेंड्स मित्रों की बात उठती है तो फिर पैसे की कोई कमी नहीं होती। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने 403 किसानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया है और 152 किसानों के परिजनों को नौकरी भी दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास आंदोलन में मारे गए 503 किसानों के नाम सहित पूरी जानकारी है। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार से 5 सवाल पूछे थे। राहुल गांधी ने लिखा था कि जब पीएम मोदी ने कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए माफी मांगी तो संसद में बताएं कि वो अपनी गलती का प्रायश्चित कैसे करेंगे। लखीमपुर मामले के मंत्री की बर्खास्तगी कब होगी? शहीद किसानों को मुआवजा कितना और कब मिलेगा? सत्याग्रहियों के खिलाफ झूठे केस वापस कब होंगे और MSP पर कानून कब बनेगा? ये सवाल पूछने के बाद हिंदी में किए ट्वीट में राहुल ने आखिर में लिखा है कि इन सब का जवाब दिए बिना पीएम मोदी की तरफ से कृषि कानून बनाने के लिए मांगी गई माफी अधूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट।